तो आज हम शुरू करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे स्टार्ट। ओके, तो ये मोशन पढ़ने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरा हम बोलते हैं डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं मोशन की स्टडी। ये वो ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन तो करते हैं बट विदाउट नोइंग इट्स कॉज। विदाउट इट्स कॉज, जो कॉज ऑफ मोशन है कि ये मोशन स्टार्ट कैसे होगी, उस चीज को जाने बगैर हम करते हैं डिटेल्स ऑफ द स्टडी मोशन। कि ये मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कितनी स्पीड के साथ चल रहा है, क्या वेलोसिटी है इसकी, ओके तो कितना टाइम लग रहा है इसको, क्या डिस्प्लेसमेंट रिकवर कर रहा है। वी नो द डिटेल्स ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉज व्हिच प्रोड्यूस दिस मोशन। दैट स्टडी इज कॉल्ड एज द काइनेमेटिक्स। एंड डायनेमिक्स में हम यही करते हैं, इसमें भी हम स्टडी करते हैं मोशन को, स्टडी ऑफ मोशन ही करते हैं, मगर इसमें हम क्या करते हैं, कॉज को, जो मोशन का कॉज है उसको हम लेते हैं into consideration। और वो cause of motion क्या है, later on आपको पता चलेगा, उसको हम force बोलते हैं, okay? कि body अगर motion में आई तो किसकी वजह से आई, कितना force लगाना पड़ेगा तब जाकर कितनी motion produce होगी किसी body में। So these are the two branches of, ये दोनों जो है ये branch है किसके, mechanics के। तो mechanics में हम यही चीजें पढ़ते हैं, okay? एक क्या कहते हैं इसको, kinematics, और दूसरा पढ़ते हैं क्या, dynamics, alright? पहले हम पढ़ेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन में, हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली किसकी, काइनेमेटिक्स की। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, बाय नेम ही पता चल जाता है, टॉपिक का नाम ही लिखा है ऐसे ही। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है इन रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अच्छा, इसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, एक सिंगल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। ऑलराइट, इस रेक्टिलिनियर मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है। पहले हम बात करते हैं पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहले है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है। पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फ्रेम की जरूरत होती है, क्योंकि हम फिजिक्स में ये है कि इसमें एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। रिलेटिव से मतलब ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन कर रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि वो किस रेस्पेक्ट में, लाइक मैंने यहां पे, आप बोलोगे कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, बोले वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है, मगर ये 10 मीटर किसके रेस्पेक्ट में। अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं बोलूंगा अपनी पोजीशन से 10 मीटर दूर ही ऑब्जेक्ट। कोई दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है वहां पे, वो बोलेगा ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर दूर है। तो अपने अपने हिसाब से हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट। तो ये पोजिशन डिफाइन करने के लिए, कि वायर द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली लोकेटेड, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं पहले क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब तक डिफाइन नहीं है जब तक कि एक आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज न कर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है बेसिकली, ये होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद अ क्लॉक अटैच्ड टू इट, क्लॉक अटैच्ड टू इट। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमें क्लॉक अटैच करते हैं। क्लॉक का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाले थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। उसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करते हैं, पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करते हैं। एंड व्हाट डज दिस क्लॉक डू, इट रीड्स द टाइम। अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम ये नोट कर सके कि ये कितने टाइम में कहां से कहां जा रहा है। ओके, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम स्पेशल ये भी बोलते हैं कि स्पेस टाइम फ्रेम रेफरेंस होता है। इसमें हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स भी स्टडी करते हैं, पोजीशन भी स्टडी करते हैं, और टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो भी हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके साथ क्लॉक अटैच होती है, विद रेस्पेक्ट टू विच, विद
respect to which, with respect to which the position of an object is measured. The position, अभी हम position की बात करें, otherwise everything is measured with respect to this thing. With respect to which the position, distance या displacement, etc. of an object is measured. Of an object is measured. And remember one thing. The values of these different physical quantities can be different for different frames of reference. Depends ki frame of reference kidhar. Main apne position se observe kar raha hu to uski position alag aayegi. Koi wahan baitha hai uske liye alag aayegi. Koi Mars pe baitha hai uske liye alag aayegi. So for every frame of reference, the position and the different values of the physical quantities may be different. All right. So position kya hota hai? Position hota hai ki what is the set of coordinates of an object in a given frame of reference. किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स क्या है. ओके, कैसे देखते हैं. हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे हम, सपोज तब हम जनरल बात करेंगे. ये है हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यूजुअली हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड थ्री डायमेंशन में हमारे पास होगा जेड एक्सिस. ऑलराइट, तो हम बोलेंगे कि एट एनी टाइम एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो थे, या आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है 9th-10th में लीनियर इक्वेशन में, कि किसी पॉइंट की पोजीशन डिनोट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट से. मान लो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट से अलोंग एक्स एक्सिस ये x1 दूर है, अलोंग वाई एक्सिस ये y1 दूर है, तो हम बोलेंगे कि इसकी पोजीशन ये है. तो हम बोलेंगे कि एट टाइम, लेट्स से एट टाइम t इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कहां पे है, x1 y1. सो दैट डिफाइंस द पोजीशन. कि हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो इधर है उधर है उधर है, दैट इज नॉनसेंस. वी हैव टू मेंशन कि कितना दूर है. ओके, वी हैव टू गिव सम सर्टेन वैल्यू टू इट विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो जिस पॉइंट से आप ये मेजर करते हो उसको यू नो इट, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है टाइम टी इक्वल टू 0 किसके बराबर है, पी एक्स वन वाई. ओके, तो इसके बाद जब हम पोजिशन डिफाइन करते हैं, अगर ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो गई है तो हम यहां पे बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इसी के साथ हम बात करते हैं डिस्टेंस. फर्क क्या है, वैसे तो थोड़ा सा भी है बहुत सा भी है. तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम सिंपली बोलते हैं ये तब आते हैं जब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल. ऑलराइट, तो हम बोलते हैं पहले डिस्टेंस डिफाइन करेंगे. ये होता है क्या, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ पाथ अलोंग विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स when it changes its position, when it changes its position, जब ये अपनी position change करेगा तो किस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते की जो length है उसको हम बोलते हैं distance. क्या बोलते हैं, मान लो at time t equal to 0 object was at this position, let's say after time t equal to some t dash, तो इस object की position जो है that is x2y. alright, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मान लो एड ये है कहां पे जब टाइम का वैल्यू था 0, ये है टाइम का वैल्यू जब था कितना टी डैश रख लो, तो इतने टाइम इंटरवल में 10 सेकंड में 15 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहां से निकल गया, यहां चला गया. अब गया किस रास्ते से है डिपेंड करता है, ये ऐसे घूम के चला गया या सीधा चला गया या कैसे कहीं और किसी और रास्ते से चला गया. तो मान लो अगर ये इस रास्ते से गया तो हम ये एक्चुअली मेजर करेंगे यहां से यहां कितना दूर है ये, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस. क्या बोलेंगे, डिस्टेंस. ओके, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही कुछ है, ये सिंपली है क्या, इसको हम बोलते हैं चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां पे हम एक्चुअल लेंथ लेते हैं, यहां पे सीधा हम देखते हैं चेंज कितना हो गया. चेंज होता है मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. सो इनडायरेक्टली हम ये बोलेंगे ये होता है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, किस किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द
initial and final position of object. Final position of object. इस object की initial और final position में shortest distance क्या है? या indirectly, what is the difference between the positions of these two objects? तो हम directly इस value को बोलते हैं displacement. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे object इस रास्ते जा सकता है, इस रास्ते या किसी और रास्ते से जाएगा. अगर ये यहां से जा रहा है तो कैलकुलेट द ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज डिफरेंट लाइंस एंड दैट टोटल लेंथ विल बी द डिस्टेंस. ओके, अगर ये इस रास्ते स्ट्रेट भी जा रहा है तब भी इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस. बट जब डिस्प्लेसमेंट आता है स्ट्रिक्टली, हम सीधा बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट कौन सा है इनके बीच में कनेक्शन, क्योंकि यहां पर पहुंचने के लिए जो है अलग अलग रास्ते, ऐसे जा सकता हूं मैं, ऐसे ऐसे जा सकता हूं मैं, ऐसे घूम के जा सकता हूं मैं. ओके, तो अलग अलग रास्तों से अलग अलग वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस आएगा, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ये सीधा है कि इनके और इनके बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, और वो शॉर्टेस्ट रास्ता हमेशा एक ही होगा. ओके, सो सिंपली दिस डिस्प्लेसमेंट इज दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी. ओके, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये वेक्टर्स क्या होते हैं आप आगे पढ़ोगे, वेक्टर क्वांटिटी है. थोड़ा सा आपने सुना होगा इनके बारे में. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है वेल डिफाइंड और एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होती है. तो और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके, इसके बाद ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है. जीरो तब होगा जब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. नॉन नेगेटिव कह सकते हो आप, पॉजिटिव जीरो तब होगा, जीरो वेर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. वेर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव है. ये नॉन नेगेटिव होती है वैल्यू इसकी डिस्टेंस. ओके, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, it can be negative and it can be zero. कैसे? क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. अगर यहां से यहां जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वहां से वहां आओगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी. जीरो कब होगा, क्या वे पॉजिटिव 10 मीटर वापस आए, नेगेटिव 10 मीटर, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो. मगर डिस्टेंस जो है ये खाली होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पी पॉइंट से निकला, यहां गया, फाइनली वापस आया, तो हमने डिस्प्लेसमेंट बोला क्या, डिफरेंस इन द पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो अगर ये इनिशियली यहां था, फाइनली घूम के वापस आ गए, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, जीरो. सो दिस कैन बी जीरो. ओके, अगर आपने आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो पॉजिटिव वैल्यू आए. अगर आप वापस जाओगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाओगे पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगा, नेगेटिव. बट ये लेंथ जो है ये हमेशा पॉजिटिव होती है. क्या आप यहां से गए वापस घूम के आए, ये रास्ता कितना ट्रेवल कर लिया है, इसका कुछ डिफाइंड फाइनाइट वैल्यू होगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा. जीरो तभी होगा अगर ऑब्जेक्ट यहां ये हिल नहीं रहा है, तो देन इट्स ऑलवेज जीरो. सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली ये प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की. आप आगे वेक्टर्स में कैसे पढ़ोगे. ओके, उसके बाद दोनों का जो ऐसा यूनिट है जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट जो है दोनों का वो क्या है, वो है मीटर. ओके, एम से डिनोट करते हैं और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला. अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट को मान लो फिलहाल, वैसे ऐसे एक्स से डिनोट करते हो, एक्स ही करेंगे डिनोट, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सीधा एल पावर, बिकॉज इसमें खाली और खाली क्या आती है, लेंथ आती है. सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो क्या कर रहा है, किसी मोशन कर रहा है बिटवीन ऑब्जेक्ट पोजिशन पी टू पोजिशन पी डैश. ऑलराइट, दैट इज डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर ये चेंज हो जाएगा तो तब क्या होगा, तब बात आती है किस चीज की, स्पीड एंड वेलोसिटी की. ऑलराइट, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है हम बात करेंगे स्पीड की. ओके, फिलहाल हम स्पीड में बात करेंगे एवरेज स्पीड की. एवरेज स्पीड, क्योंकि ये डेफिनेशन जो ये बेसिकली एवरेज स्पीड की है, तो आप स्पीड के लिए भी सेम टर्म यूज कर सकते हो. स्पीड होता क्या है, सिंपली कि एक ऑब्जेक्ट इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस. अगर आप इसको डिनोट करोगे म्यू से, तो इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस. क्या अगर एक ऑब्जेक्ट पोजिशन पी से जा रहा है टू पोजिशन
पी डैश जा रहा है तो एक्चुअल रास्ता कितना ट्रेवल कर लिया है इसने, वो हम यहां से मेजर करेंगे ऐसे करके स्केल लगा के देखेंगे टोटल कितनी डिस्टेंस। ऑलराइट, तो अगर ये यहां से यहां जा रहा है कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है और कितना टाइम लगा, यहां पे टाइम टी इक्वल मान लो ये टी इक्वल जीरो था, यहां पे टाइम टी जो था वो था टी डैश के बराबर। ऑलराइट, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया और कितने टाइम इंटरवल में कवर कर लिया, इनका रेशियो निकालोगे दैट विल गिव यू द स्पीड और द एवरेज स्पीड। सो डेफिनेशन क्या है इसकी, ये है क्या, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ टाइम, टाइम के साथ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पीड। ऑलराइट, तो अगर आप स्पीड को डिफाइन करना चाहोगे, ये स्पीड जो है ये किसके बराबर होते हैं, सिंपली डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला आप आगे भी देखोगे, ये बेसिकली एवरेज स्पीड की फॉर्मूला है। ऑलराइट, कि व्हाट इज द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, अगर ये आप ऐसे लिखोगे तो इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो अब आप और द होल इंटरवल ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हो, आप पर यूनिट पर सेकंड की बात कर रहे हो। देखो यहां पे मान लो 1 सेकंड था, ये 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसने 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो आप पूरे स्पैन की बात कर रहे हो। तो मान लो इसने टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर कर लिया कितनी, 100 मीटर। तो आप स्पीड निकालोगे दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। व्हाट डज दिस मीन, कि अगर हम ओवरऑल देखेंगे एज इफ ये पर सेकंड 10 मीटर चला हुआ, तब जाके इसे 10 सेकंड में 100 मीटर कवर कर, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, तो इसलिए हम ये एवरेज वैल्यूज को है, ये आपको एग्जैक्ट ट्रू डेटा नहीं देते हैं मोशन के बारे में, ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं मोशन के बारे में। फिर क्या करते हैं, ये एवरेज की वजह से जो ये अनस्टेबिलिटी रहती है इसमें कि कब कितनी, क्या ये हर सेकंड में 10 मीटर चला था या नहीं चला था, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, इसी के साथ करेंगे डिफाइन, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था टाइम था 10 सेकंड, डिस्टेंस थी 100 मीटर, तो स्पीड दैट्स एवरेज स्पीड जो है वो आ गया था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एज इफ ये हर सेकंड में 10 मीटर चला है। मगर जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, अब हम ओवरऑल टाइम इंटरवल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में ये भी हुआ होगा कि ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट में चला था पहले केस में, पहले सेकंड में ही 10 मीटर चला, अगले सेकंड में मान लो इसने रोक ली थी, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी रोक ली। ओके, अगले सेकंड में इसने 5 ही मीटर ट्रेवल करे हूं, अगले सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल करे हूं, किसी सेकंड में 50 मीटर ट्रेवल करे होंगे, बाकी टाइम के लिए बैठा हो। अब हम ये नहीं देखते कि पर सेकंड क्या कर रहा है, इस केस में हम सीधा देखेंगे टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, सो हमें एग्जैक्ट पर सेकंड की डिटेल्स पता नहीं है, वो पर सेकंड की डिटेल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस टू बी प्रिसाइज इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज इट इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ, व्हाट इज द रेट एट विच द डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड। ऑलराइट, ये इंस्टेंटेनियस टर्म आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ी है, तो हम सिंपली ये बोलते हैं कि मान लो लेट से हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स जो है ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डेल्टा टी जो है ये है टाइम टेकन। ओके, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का वैल्यू जो आया था वो किसके बराबर आया था, वो आया था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अगर आप इस एवरेज को इंस्टेंटेनियस बनाना चाहते हो तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है उसको कैसे डिफाइन करोगे, दैट वो हम तब डिफाइन करेंगे जब हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, क्या लिमिट, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टुवर्ड जीरो
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, अंडरस्टैंड जो भी हमने अभी तक बात करी है वो सब का मतलब ये चीज है। मतलब कैसे कि व्हाट डज दिस मीन, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है ये लिमिट का मतलब होता है कि इसको इतना छोटा रखो एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल बट नॉट इक्वल टू जीरो। बट रियलिटी में इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपने टाइम रखा है 10 सेकेंड, दैट्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। अब आप क्या करोगे तो 10 सेकंड में 100 मीटर। अगर मैं बोलूंगा 5 सेकंड रखो, 5 सेकंड में मानो इसका 100 मीटर नहीं 40 मीटर होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आपको टाइम रखो 2 सेकंड तो मानो इसका 10 ही मीटर होंगे, क्योंकि अलग अलग सेकंड में अलग अलग स्पीड के साथ चला। अगर मैं बोलूंगा टाइम इक्वल टू 1 सेकंड तो आप बोलोगे ये एक ही मीटर चला। अगर मैं टाइम को 1 सेकंड से भी छोटा करूंगा 0.00001 सेकंड तो ये उस 0.001 सेकंड में बहुत कम स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। तो जितना आप टाइम इंटरवल को छोटा करोगे अकॉर्डिंगली डिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा। तो जितना इसको छोटा रखोगे एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल तो ये डिस्टेंस का वैल्यू भी उतना ही छोटा होगा। तो हमें पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस का वैल्यू पता चलता है। तो उससे हमें क्या होगा कि हमें हर किसी सेकेंड हर किसी इंटरवल के एक्चुअल डिटेल्स पता चल जाते हैं। यहां पे जैसे वो कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन ये था कि इसने टोटल 10 सेकंड में 100 मीटर ट्रैवल किया। अब इसने पहले सेकंड में 50, दूसरे में 50, बाकी 8 सेकंड बैठा था। अब जब आपने एवरेज वैल्यू निकाला आपको लग रहा है कि हर सेकंड में इसने 10-10 मीटर ट्रैवल करे, बट दैट इज नॉट ट्रू। बट इस केस में आपको क्या पता चलता है कि हर किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी आपको पता चलता है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। ओके, तो ये बन जाएगा इसके बराबर। और आपको पता है जब हम ये इंटरवल यूज करेंगे, आपने पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर आपके पास ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसमें अगर हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अप्लाई करेंगे तो ये इसको हम डिनोट करते हैं dy बाई dx। तो इसको भी हम यूज करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, इट इज dx अपॉन dt। और ये आपको पता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो, वही बोला मैंने, इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या डिफरेंशिएशन के टर्म्स में आप लिख सकते हो कि ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, ऐसे लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इट इज इक्वल टू क्या, या आप ऐसे लिख सकते हो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू, अगर आप टाइम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो जो आपको वैल्यू मिल जाएगी That will be the instantaneous speed. Instantaneous name से ही पता चलता है कि it is talking about per instant. Alright? So that is speed, average speed या जिसको आप generally आप 9th-10th तक define कर रहे हैं speed क्या होता है distance by time. Here it is actually the average speed, not simply speed. यहाँ पे जो instantaneous speed है that is the spherical speed जिससे हमें हर second की details पता चल जाते हैं. Okay? तो इस instantaneous speed में क्या आता है? इसमें डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह आ जाएंगे वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल इसका जो है SI यूनिट देखेंगे क्या है। SI यूनिट जो है सिंपली SI यूनिट के लिए बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं। स्पीड होता है किसके बराबर, डिस्टेंस बाय टाइम। आपको पता है डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर्स में, टाइम करते हैं सेकंड्स में, तो ये आएगा मीटर पर। लिखने का बेस्ट तरीका ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, बट दिस इज प्रेफर्ड फॉर दिस वन। ऑलराइट, और डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे स्पीड का, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस इज एल पावर वन, टाइम इज टी वन, तो डिनोमिनेटर में तो ये आएगा माइनस वन। दैट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए, स्पीड के। इस स्पीड की कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, ये स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा इसका। नॉन नेगेटिव समझ लेना, अभी बोला आपको नॉन नेगेटिव मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव, और जीरो तब होगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ नहीं रहा। ओके, अच्छा इसके बाद क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव है। ऑलराइट, तो दैट इज अबाउट किसके बारे में, स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी मान लो जो आपकी हम स्पीड बढ़ रहे थे, बस वही चीज है वेलोसिटी। ओके, बट फर्क इसमें यह है कि इसका कोरिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इसमें भी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, क्या है जो आपने आज तक डेफिनेशन पढ़ी है वेलोसिटी की, दैट इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, ये होता है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो ये रेशियो निकालोगे आप डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की विद रेस्पेक्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ओके, मान लो इनिशियल पोजिशन जो ऑब्जेक्टिव थी, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दिस रेक्टिलिनियर मोशन। तो इनिशियल पोजिशन जो ऑब्जेक्टिव थी, इनिशियल पोजिशन मतलब है टाइम टी इक्वल टू जीरो, ऑब्जेक्टिव की पोजिशन जो थी वो थी किसके बराबर, एक्स वन के बराबर। फाइनल पोजिशन जो है वो किसके बराबर है, मान लो फाइनल पोजिशन जब टाइम का वैल्यू किसके बराबर था, टी के बराबर, तो ये किसके बराबर थी, एक्स टू के बराबर। ओके, हम सिंपली डिस्टेंस जो है हमने जा रहा है कि किस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते को हमने मेजर करना है। पर डिस्प्लेसमेंट पे आप सीधा बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज चेंज इन द पोजिशन। चेंज इन पोजिशन मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, सिंपली आ जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर आ गया, टाइम इंटरवल जो है हमारे पास इसके बराबर है, टी के बराबर। लेट्स से इसको हम डेल्टा टी रखेंगे। ओके, तो ये डेल्टा टी के बराबर आएगा। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, जिसको आप वेलोसिटी आज तक बोलते थे सिंपल वर्ड्स में, वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा बी से नोट करेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया इसने, ये चेंज इन पोजिशन कितना कवर कर लिया इसने, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, सिंपल। तो ये है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। ये भी बेसिक है, डायमेंशनली एंड यूनिट वाइज ये वही चीज है जो आपने स्पीड के बारे में पढ़ा। स्पीड जैसे है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी वही, पर यहाँ पे है वेलोसिटी जो है इट इज रिलेटेड टू अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। तो इसमें भी वही डिटेल है जो आपने अभी बोले थे। तो अगर आप इसका ऐसा यूनिट देखोगे वो क्या होगा, ऐसा यूनिट जो है इसका वो भी होगा किसके बराबर, मीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे वेलोसिटी का, वो भी वही है जो स्पीड का है, एल वन टी माइनस। ऑलराइट, इसमें भी जैसे एवरेज वेलोसिटी बात करी हमने, वैसे ही हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करोगे, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू, पहले वाले सारे डिटेल वही है जो पहले आपने किए, जहां जहां पे डिस्टेंस है वहां वहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट डालना है। तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू वही वैसे ही आएगा कि डेल्टा डी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अभी मैंने वेक्टर्स की सिंबल्स यूज नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिंपली आपको इसका आइडिया बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। तो अगर आप ये इंटरवल यूज, ये लिमिट यूज करोगे, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपली आएगा क्या, डी एक्स अपॉन, आप ये बोल सकते हो कि ये स्पीड वेलोसिटी जो है ये किसके बराबर है, ये है डिफरेंशिएशन किसकी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पहले हम डिस्टेंस लेते थे विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ऑलराइट। तो इसके साथ और प्रॉपर्टी ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये भी जीरो होगा, अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो ये भी आएगा नेगेटिव होगा। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बोला, ये स्पेशली वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, तो वेक्टर जो जो भी है उसमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाएगी, ऑलराइट। तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी, और वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इसके आगे और छोटी सी टर्म्स है जो हमने अभी तक ये सब कुछ बोला है, ये हम बात कर रहे थे कि जब मोशन में आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, अगर वो मोशन में नहीं है तो फिर वो कहाँ है, उसके लिए हम दो छोटी टर्म डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजिशन, और है मोशन वाली पोजिशन। रेस्ट में कब कहेंगे ऑब्जेक्ट को, और मोशन में कब कहेंगे, सिंस ये चीजें आपने नाइन्थ में पढ़ी है आपको पता भी होगा, हम तब बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है अगर ये क्या करेगा, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन अ
गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ये अपना टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इधर ही है, ओके। टाइम इंटरवल जब मैं स्टार्ट कर रहा है टाइम इक्वल टू जीरो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, 1 second, 2 second, 3 second, 10 second, 20, 100, 2 days, 10 days, ओके। ये ऑब्जेक्ट मेरे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये मेरे हिसाब से रेस्ट है, ओके। बट हमेशा ये ट्रू नहीं है कि ये रेस्ट में ही होगा, क्यों? डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कैसा है, देखेंगे कैसे। मोशन की बात करेंगे, क्या क्या इफ इट चेंज इट्स पोजिशन, अगर ये अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन। एंड रिमेम्बर वन थिंग, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन नेचर, ये और ये दोनों चीजें, हर कोई चीज एंड दीज टू स्पेशली दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कैसा। मैंने अभी आपको बोला एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट रखा मैंने मेरे हिसाब से रेस्ट में क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ओके। बट यही ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व कर रहा है कोई और एस्ट्रोनॉट बैठा है स्पेस में या कोई मून से कोई एलियन जो है ऑब्जर्व कर रहा है चीज को, तो उसके हिसाब से जब अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन बोलेगा यार हर कोई चीज मूव कर रही है, तो उसके फ्रेम में हर कोई ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इन मोशन। बट मेरे हिसाब से अगर मैं देखूंगा अपने सराउंडिंग्स में नॉर्मली, तो ये पहाड़ वगैरह कहीं नहीं जा रहे हैं, दे आर एड्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू मी इफ आई एम नॉट चेंजिंग द पोजिशन। तो ये पोजिशन और मोशन, रेस्ट एंड मोशन पे डिपेंड करता है ऑब्जर्वर को। एक ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे रेस्ट में हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट उसी टाइम में दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। जैसे आपने बहुत बार सुनी है वो गाड़ी वाली एग्जाम्पल, कि आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपके साथ में कोई और बैठा है, तो आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ना तो ये बंदा ना पोजिशन चेंज कर रहा है, मैं सुबह बैठा गाड़ी में ये भी बैठा गाड़ी में, शाम को हम जम्मू पहुंचे तो ये भी उधर ही पहुंचे, डिस्टेंस सेम थी हमारे सीट्स के बीच में, तो ये हम मेरे साथ में बैठा था रेस्ट में था। बट जो बंदा बाहर ऑब्जर्व कर रहा है जहां से ये गाड़ी निकली है कोई रोड पे जा रहा है, उसके हिसाब से हर सेकंड आपकी पोजिशन चेंज हो रही है, बिकॉज जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपके पास 1 second के बाद या 10 मिनट के बाद आप पहुंच गए थे 1 किलोमीटर आगे, और 10 मिनट के बाद आप कहीं और पहुंच गए होंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में आप दोनों मोशन में हो, बट इसके रेस्पेक्ट में आप आपस में क्या हो, रेस्ट में। तो सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अवर ऑब्जर्वर, कैन बी एट मोशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू व्हिच इज मोशन इज बीइंग ऑब्जर्वड, ओके। सो वी से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ओके, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट है। सो ये है बेसिक, इसके बारे में मोशन स्ट्रेट लाइन का इनके ग्राफ्स एंड इक्वेशंस जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हेलो।